सुदेश बाबू के लिए तो चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हैं यादाश्त भी उनकी थोड़ी लगता है कम हो गई है 2014 से पहले उनके हिसाब से झारखंड में रामराज्य था कि बड़े नेता हैं बड़े कद के नेता हैं पार्लियामेंटेरियन के तौर पर एक्सपीरियंस भी बड़ा है लेकिन तथ्यों के बगैर खाली मुहावरों से भाषण को देना लच्छेदार ये कहीं से तार्किक नहीं होता। बीजेपी अलग आरोप लगा रही को बेचा जा रहा है सीबीआई जांच की, तो की, जे पी जे पी सी की सी की आई जांच का फलाफल क्या निकला कई लोग जेल गए थे बड़े बड़े लोग अब बड़े बड़े लोग तो जेल गए लेकिन जो इसके सूत्रधार थे वो कहाँ हैं सूत्रधार तो हमारे आपके नजरों के सामने राजनीति का जो क्रूप चेहरा इस दौर में हम लोगों ने देखा है जहां लोकप्रिय चुनी हुई सरकारों को काम करने से रोकने का प्रयास किया गया हो कि झारखंड के बच्चे झारखंड की नौकरियों में आए इस पर मुहर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी लगाई है और हमारी भी यही सोच है कि जिस तरीके का झारखंड हम लोगों ने सोचा था जिस तरीके का झारखंड का हम लोगों ने सपना देखा था झारखंड का बजट उसी अनुरूप बढ़ रहा है और इसके लिए वो तमाम लोग बधाई के पात्र होंगे सदन में आज सुदीप सोनू ने कहा कि जो बजट सरकार ने पेश किया है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झलक है दरअसल बजट को लेकर जो प्री बैठकें होती है उनमें उनका दिशा निर्देश है हमारे साथ स्वयं जे के विधायक सुदीप जी हैं सुदीप जी ये जो बातें आपने सदन के अंदर रखी दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं निश्चित रूप से प्री बजट की मीटिंग्स तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने ली थी तो बट नेचुरल है कि प्रदेश को जिस दिशा में वो ले जाना चाहते थे वो झलक इस बजट में दिख रही थी तो मैं एक तरीके से सदन में अपने वक्तव्य के माध्यम से यह कृतज्ञता प्रकट करना चाह रहा था कि जिस तरीके का झारखंड हम लोगों ने सोचा था जिस तरीके का झारखंड का हम लोगों ने सपना देखा था झारखंड का बजट उसी अनुरूप बढ़ रहा है और इसके लिए वो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने इस बजट के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है आसू तो इस बजट की खुलकर आलोचना कर रहा है कह रहा है किसानों की संख्या सरकार गलत बता रही है पैंतीस हज़ार करोड़ रुपया बकाया है बत्तीस हजार करोड़ का सरकार का एक बार दो हज़ार करोड़ एक बार बारह सौ करोड़ था वो पैसा का भी हिसाब नहीं है फिर कह रही है दो लाख देंगे हम लोगों ने एन पी ए वाले का मांग की अब कह रहे हैं एन पी ए वाला को देंगे सरकार क्यों लाइन में लगा कर लोगों से सरकार आपके द्वार में अप्लीकेशन ली जब उन उनको दे ही नहीं पा रही है सुविधा फिर कहीं ग्राम सभा से कराएंगे अब बोल रही है नहीं ग्राम सभा से नहीं जो माल देगा उसका करेंगे तो अधिकारियों की अनुशंसा पे हो रही है अबुआ आवास से लेकर तमाम योजनाओं का नहीं सुदेश बाबू के लिए तो चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हैं यादाश्त भी उनकी थोड़ी लगता है कम हो गई है दो से पहले उनके हिसाब से झारखंड में राम था 2014 से से लेकर 19 तक तो वो सरकार में नहीं थे इसलिए शायद राम राज्य की परिधि पीछे चली गई होगी ये बात बिल्कुल सही है कि उनके समय में तो ना सरकारी बेघावों में जनता को परेशान करने का कोई वाक्य आया था अभी तो आदरणीय प्रदीप यादव जी ने बड़ा सही कहा ना कि एक विशिष्ट विभाग नहीं मिलने के लिए मुँह फैला के बैठ गए थे तो जनसेवा करने के लिए तो तमाम विभाग चाहिए होते हैं और रह गया सवाल मैं सुदेश जी के भाषण को सुन रहा था लेकिन मुझको यही लगा कि बड़े नेता हैं बड़े कद के नेता हैं पार्लियामेंटेरियन के तौर पर एक्सपीरियंस भी बड़ा है लेकिन तथ्यों के बगैर खाली मुहावरों से भाषण को देना लच्छेदार ये कहीं से तार्किक नहीं होता है वो तो कह रहे हैं कि विभाग में 31 प्रतिशत पद खाली है सरकार नौकरियां नहीं दे रही है बीजेपी अलग आरोप लगा रही कि नौकरियों को बेचा जा रहा है सीबीआई जांच की मांग पे वो अड़े हुए हैं उस पर भी सरकार मोहन करी एस आई के बात से संतुष्ट होना चाहिए तो उनके ही कार्यकाल की जेपी जेपीएससी की सीबीआई जांच का फलाफल क्या निकला कई लोग जेल गए थे बड़े बड़े लोग अब बड़े बड़े लोग तो जेल गए लेकिन जो इसके सूत्रधार थे वो कहाँ हैं सूत्रधार तो हमारे आपके नजरों के सामने है और क्या उस जे की सीबीआई की जांच से अभ्यर्थियों को लाभ मिल गया ऐसा लगता है ये जांच अगर मान लीजिए उचित नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी कह सकते सुदीप जी की जांच अगर होगा तो भी लाभ नहीं होगा इसलिए जांच करा के मैं ये, कर, मैं ये कह रहा हूं कि उस जेपीएससी की जांच से भर्तियों को लाभ नहीं मिला रूपा तिरकी के मामले में राज्य सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी गई सीबीआई की जांच से क्या निकला जो हमारी स्टेट पुलिस की जांच से इतर था आज एस का गठन किया गया यूपी में तो क्यों भाई ये डबल स्टैंडर्ड क्यों यूपी में पेपर लीक होगा तो एस की जांच जायज और झारखंड में होगा तो एस की जांच गलत तो ये सब बेकार तथ्यहीन तो आरोप हैं रह गया सवाल उनका ये कहना सुदेश बाबू का कि 31 फीसद पद खाली पड़े हैं ये वास्तव में चिंता का विषय है मैं इस बात से सहमत हूँ लेकिन मैं साथ में ये बात कहता हूँ कि राजनीति का जो कुरूप चेहरा इस दौर में हम लोगों ने देखा है जहाँ लोकप्रिय चुनी हुई सरकारों को काम करने से रोकने का प्रयास किया गया हो चाहे वो न्यायालय में छद्म पिटिशन डालकर हो आप बताएं ना हमारे तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की जो हमारी नीति थी उस नीति को कोर्ट में धराशायी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रयास किया और उस प्रयास के फलाफल ने झारखंड में खड़ा कर दिया पर आप लीगली राइट होते सुदेश सुदीप जी तो सुदेश जी चाहे बाबूलाल जी कितना भी कहते कुछ नहीं होता कोर्ट तो लीगली राइट देखता है और, पॉलिटिकली राइट तो कोर्ट देखता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले हैं मेरा बहुत कहना तो उचित नहीं है लेकिन टेट पास, टेट पास जो अभ्यर्थियों का चयन का मामला था आप यह पाएंगे कि कोर्ट ने अपने आदेश में अंततः झारखंड के मूलवासियों की भावनाओं को ही प्रतिध्वनित किया है उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य के निवासी हैं यदि उन्होंने किसी अन्य राज्य से स्टेट पास किया है वो भी इस परीक्षा में शामिल होने के हकदार हैं तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि झारखंडियों की यह जो मूल भावना थी कि झारखंड के बच्चे झारखंड की नौकरियों में आए इस पर मुहर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी लगाई है और हमारी भी यही सोच थी लेकिन अभी झारखंडी कौन है यही तो सवाल है सबसे। जब तक नई नीति का नई नीति नहीं आ जाती है तब तक पुरानी नीति को ही झारखंडी होने का आधार माना जाएगा उन्नीस पुरानी नीति follow-up